हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। चुनाव में राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार और मीडिया कर्मी पेड न्यूज नहीं दें, इस पर रोक हेतु राज्य स्तर से अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित। सड़कों पर खतरनाक भीड़, कहीं फिर बैकफुट पर न कर दे। कोरोना का आंकड़ा 2500 पार, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। चुनावी आहट, हरोड़ गर्माहट, नगर विधायक का शिलान्यास समारोह में लोगों ने किया विरोध। समर्थक और विरोधी स्थल पर ही आपस में उलझे। विघ्न से झल्लाए विधायक ने मीडिया कर्मी पर ही उतारा अपना गुस्सा। और मच्छरों के लार्वा खाने वाली गंबुजिया मछली के दरभंगा आने से मच्छर खात्मा की पनपी उम्मीद। जिलाधिकारी ने कहा इसे विस्तारित करने की बनेगी योजना। प्रथम चरण में वार्ड 21 के 2 तालाबों में निजी स्तर से वार्ड पार्षद मंगवाई है ये गंबुजिया मछली। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। कोरोना काल में चुनाव है और फूक फूक कर कदम रखना है और वही नियम पालन करना है जो पिछले चुनाव में था। जी हां, अगर पेड न्यूज में पकड़े गए तो दोनों नपे। राज्य स्तर से मीडिया के माध्यम से, वर्चुअल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया अधिकारियों को। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, सीएम और एसएसपी बाबूराम सहित अन्य पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग के निर्देश को जाना, प्रशिक्षण प्राप्त किया कि किस तरह राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार और मीडिया को इस दायरे में रखना है और कहीं गड़बड़ी होगी तो किस तरह उन पर मुकदमा दर्ज करना। चुनाव की आहट और सुगबुगाहट और इसी के बीच राज्य स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया कि चुनाव के दरमियान पेड न्यूज में आप किस तरह सतर्क रहें और कहीं गड़बड़ी हुई तो कहां मुकदमा किस धारा में करना है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया जिसमें जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ऑनलाइन ट्रेनिंग और इसके तहत बताया गया कि किस तरह आपको अखबारों पर, टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर नजर रखनी है। लगातार एक व्यक्ति की खबर छापी जा रही है तो कैसे जांच करनी है और उसी में आपको यह निकालना है कि यह पेड न्यूज है और उसे खर्चे के दायरे में लेना है। और कोई राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार इसका उल्लंघन करती है तो किस धारा में सुसंगत कार्रवाई करनी है, इस संदर्भ में राज्य स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया अधिकारियों को। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस पदाधिकारी सहित उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों ने भी बारीकी से इस बात को जाना और इसकी तैयारी की। मालूम रहे कि पेड न्यूज चुनाव प्रचार का एक बड़ा हथियार है और इस पर लगाम और नकेल कसने के लिए राज्य निर्वाचन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले 3 चुनावों में इस पर नई नई जहां जहां गतिविधि
जो छिद्र रह जाती है उसे ढकने का प्रयास, और उसी के तहत नए ढंग से जो पेड न्यूज है मीडिया, उस दायरे में आपस में उम्मीदवार राजनीतिक पार्टी से तालमेल न करे, इस संदर्भ में दिशा निर्देश और प्रशिक्षण। सड़कों पर भी खतरनाक है, कोरोना काल में लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिलते ही सड़कों पर उमड़ रही है भीड़। ये संकेत खतरनाक तब जबकि आंकड़ा 2500 पार कर चुका है। दरभंगा जिले में 28 मौत हो चुकी है। दरभंगा के कोरोना वार्ड में जो डीएमसीएच का कोरोना वार्ड है उसमें आसपास के जिले के 28 के अलावे 30 अन्य लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में ये भीड़, ये जाम खतरनाक संकेत, संभलना होगा। कोरोना का कहर लगातार 22 मार्च से जिस समय जनता कर्फ्यू लगा या फिर 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, फिर बीच में ब्रेक और उसके बाद अनलॉकडाउन 1, 2, 3 और अब ये राष्ट्रीय स्तर पर 4, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा। 1.5 लाख बिहार में आंकड़ा पार कर गया है, मौतें लगातार बढ़ रही है, वो 700 के आसपास है। ऐसे में दरभंगा का आंकड़ा की बात करें तो 2500 का आंकड़ा पार कर गया है, लेकिन ये भीड़, लॉकडाउन अनलॉकडाउन इसे क्या कहें, ये सामान्य स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति है। बुधवार की ये तस्वीर है और तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि अभी अगर हम न संभले तो कहीं बैकफुट पर पवेलियन वापस न जाना पड़े। मालूम रहे कि जब लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद छूट मिली थी तो लोगों ने ये मान लिया था कि कोरोना की विदाई हो गई है और यहीं पर चूक हुई, और उसके बाद कोरोना संक्रमण का लगातार आंकड़ा ही नहीं बढ़ा, मौतें भी होती गई और मौत की संख्या 28 हो गई, जिसमें दरभंगा शहर के 13 लोग इस कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक जो आंकड़ा है, 1,21,635 लोगों का टेस्ट हुआ जिसमें 2,549 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 2,549 में जो 302 हैं वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 28 मौतें हो गई है, और ऐसी परिस्थिति में 2,219 लोग इन्होंने कोरोना से जंग जीत लिया है, लेकिन जो लड़ रहे हैं ये 302, ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए। जिंदगी और मौत के बीच 28 लोगों ने कोरोना से अपने परिजन को खोया है, और वो दर्दनाक सीन ये जान लीजिए, 31 मार्च को वुहान में पैदा हुआ कोरोना जनवरी में पूरी दुनिया में नहीं था, फरवरी में ये दुनिया में था तो भारत में नहीं था, और भारत में फरवरी के अंत में इसने कदम रखा, जनवरी के अंत में 1-2 से शुरुआत हुई और मार्च में ऐसा फैला कि बिहार में आ गया, अप्रैल में यह दरभंगा में आ गया, मई में शहर में इसने पांव पसारना शुरू किया, जून में 6 जून से पहली मौत हुई थी, और अब तक 28 मौतें हो चुकी है जिसमें 13 दरभंगा शहर के हैं। तो ये भीड़ बहुत कुछ कहती है, और ऐसी परिस्थिति में हमें संभलना होगा। कोरोना भी यही मौका देखता है और कोरोना की विदाई नहीं हुई है। जब तक वैक्सीन नहीं आता हमें फूक फूक कर कदम रखना होगा, जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश। मंदिर मस्जिद गिरजाघर और चर्च बंद है, और ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र में चुनाव भी कराने हैं, लेकिन सरकार भी फूक फूक कर कदम रख रही है। कोरोना से भी बचना है, जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर भी लानी है, ऐसी परिस्थिति में हमें खुद बचना होगा, परिजन को बचाना होगा, तभी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर बैठेगी, भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन ये भीड़ कहीं हमें पुनः बैकफुट पर न ले जाए। चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक गर्माहट, और इसी कड़ी में नगर विधायक संजय सरावगी को वार्ड नंबर 45-46 में एक सड़क के शिलान्यास समारोह में घोर विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि इसी सड़क का शिलान्यास लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले हुआ, लेकिन शिला पट लग कर ही रह गया और उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। नगर विधायक संजय सरावगी जब पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोगों ने नारेबाजी कर गो बैक का नारा लगाया, मुर्दाबाद का नारा लगाया। एक पक्ष महापौर का नाम नहीं दिए जाने पर भी विरोध प्रकट कर रहा था। हालांकि अंतिम समय में शिला पट पर महापौर का नाम तो अंकित किया गया, लेकिन इसके बाद भी विरोध के स्वर गूंजने लगे। महापौर के नाम डालने के बाद भी विरोध को देख
नगर विधायक के समर्थक और उनके विरुद्ध नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच में कई राउंड में झड़पें हुई, लोग मानने को तैयार नहीं थे। कोरोना काल में चुनाव की आहट, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चुनावी तैयारी की गर्माहट, लेकिन उससे पहले राजनीतिक आहट, पुनः लगातार राजनीतिक धार में बहने की चाहत और इसी बीच समर्थन और विरोध के की कड़ी में नगर विधायक संजय सरावगी पहुंचे वार्ड नंबर 45 और 46 के सड़क का शिलान्यास करने दोपहर बुधवार को। यहां लोगों ने जमकर उनके विरोध नारे लगाए, संजय सरावगी गो बैक कर करके उन्हें हुट आउट किया, उनके समर्थक भी भिड़े, दोनों ओर कई बार झड़पें हुई, कई बार नगर विधायक ने असंतुष्टों को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ता ही गया। के लोग खत्म थे, बात आए पता लगा प्रारंभ में लोगों का कहना यह था कि इस पर महापौर का नाम अंकित नहीं है। आनंद फानन में शिलापौर पर महापौर का नाम अंकित कराया गया, उनके समर्थक भी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदरूनी विरोध का भी स्वर गूंजा और उनके समर्थक भी आपस में भिड़ते रहे। कई राउंड में झड़पें हुई, नगर विधायक संजय सरावगी कई बार असंतुष्टों को बुला कर लाए, वार्ड नंबर 45 के पार्षद देवकृष्ण झा, वार्ड नंबर 46 के राजू पासवान की उपस्थिति में स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया। इन लोगों का कहना था कि इसी सड़क का शिलान्यास लोकसभा चुनाव से पहले किया गया, लेकिन बोर्ड भी हट गया, काम नहीं हुआ, पुनः ये राजनीतिक धार है, इसमें वे बहने वाले नहीं। नेता 5 साल में आते हैं, जनता को बहला फुसला कर ले जाते हैं, लेकिन जनता अब सजग हो गई है। बताइए, दो शब्दों में जल्द से जल्द बताइए, होने जा रहा है जी, बताइए। अरे आप चुप रहिए, बीच में नहीं बोलिएगा। हाँ आप बोलिए, एक्सक्यूज मी, विल यू शट अप। आप जो बोल रहे हो अपने एक पहले बते, आप बताइए आप क्या बता रहे हैं, सुनिए। विश्वविद्यालय में बाली नहीं हुआ, एगो कैसे महापौर जी को बुलाइए, मतलब रोड के कोनो है घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, कहीं पर महापौर का समर्थन, कहीं पर पार्टी में अंदरूनी विरोध। लाख समझाने के बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं माने और सवाल पूछते रहे। एमएसयू के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल थे, वार्ड पार्षद की भी बात नहीं माने। लोगों का कहना था एक ही रोड का शिलान्यास दो बार क्यों, इस पर जवाब चाहिए। जो पूरे बिहार में टेंडर पास होता है, चाहते तो इस रोड को आप काम करवा देते, लेकिन नहीं किए आप। हम चाह रहे हैं इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में क्या रहता है, इलेक्शन के टाइम में चुनाव है, चुनाव के लिए, इसीलिए आपको वोट लेना है अभी, इसीलिए 5 दिन के बाद आचार संहिता लागू होगा, आपको वोट चाहिए, इसीलिए आप वोट लेने आए हैं, वोट बनवाने आए, वोट लेने आए हैं आप। अभी छह 5 साल में जिला नगर विधायक के समर्थक बार बार आंदोलनकारियों को समझाते रहे, कई बार झड़पें भी हुई, हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों वार्ड पार्षदों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन लोग लगातार उत्तेजित थे और आपस में भिड़ जाने को बेताब थे। ऐसी परिस्थिति में घंटों ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। भाई 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 भाई
अरे इस प्रकार आप मार नहीं सकते ऐसे। उनके समर्थक और नारे लगाने वालों के बीच कई राउंड में झड़पे जो आप यह तस्वीर देख रहे हैं। वार्ड नंबर 45 और 46 सभी का सवाल एमएसयू के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और लगातार उनसे सवाल, कहीं पार्टी के अंदर कहीं पार्टी के बाहर और चौतरफा घिरे यहां नगर विधायक संजय सरावगी। इस शिलान्यास समारोह में वार्ड नंबर 45 और 46 के बीच का यह चौक जो चट्टी चौक होकर जाती है, लोगों का कहना यही कि लोकसभा चुनाव के समय भी इस सड़क का शिलान्यास हुआ लेकिन काम नहीं हुआ और ये वोट की राजनीति है। सड़क बनाने पहले भी आते लेकिन इस तरह से तामझाम बैनर लगाकर उसी रोड का शिलान्यास करने आए हैं जिस पर लोकसभा चुनाव की गाड़ी यहां से गुजरी और काम नहीं हुआ। उत्तेजित हो नगर विधायक संजय सरावगी ने अंत में अपना गुस्सा सवाल पूछने वाले मीडिया कर्मी पर भी उतारा और कहा कि यह तरीका नहीं। उन्होंने कैमरा को हटाने, मोबाइल से जो सीन लिया जा रहा था उसे भी हटाने की कोशिश की और यह दृश्य भी कैमरे में कैद हो गया। आरोप है आपका वीडियो है मेरे पास। आरोप तो आरोप लोग लगाते हैं लेकिन कुछ लुक्कड़ टाइप होते हैं लोग, जिसको मालिक को फोटो भेजना पड़ता है तभी उसका रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए जो है वो मालिक को वीडियो भेज रहा था, कार्यक्रम है, कार्यक्रम हो रहा था। मालिक आपका मालिक का मतलब क्या है, मालिक किसको कहना चाह रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं भाई, आपको मना करते हैं फिर मोबाइल का नहीं, रुक जाइए ऐसे मत करिए। क्या कैसे? इस घटना के बाद चल रहे कई कैमरा और मोबाइल में उनकी टिप्पणी और बयान, जिस पर कुछ पत्रकारों का आरोप कि उन्होंने मोबाइल से मिटाने की धमकी दी, कोशिश की, जिसका दृश्य भी मोबाइल और कैमरे में कैद हुआ। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि कुछ पत्रकार नहीं, कुछ जो दूसरे टाइप के लोग थे जो यहाँ का दृश्य मालिक को भेज रहे थे। मालिक का तात्पर्य किन से था यह स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि पत्रकारों का कहना है कि सीधे उन्होंने मीडिया कर्मियों को धमकी दी और उसे अमीट करने के लिए कोशिश की, जिसका दृश्य भी मोबाइल में कैमरे में कैद हुआ। राजनीति की धारा ऐसे ही होती है, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, और ऐसी ही परिस्थिति में नगर विधायक संजय सरावगी फंसे। आज जनता भारी और अंततः हिसाब कि आपने 15 वर्षों में क्या किया। एक रोड का शिलान्यास दूसरी बार, कहीं ये चुनाव की सुगबुगाहट आहट तो नहीं? अवैध शराब का कारोबार और लगातार पुलिस उत्पाद विभाग के छापे, इसी कड़ी में बुधवार को मौलागंज में 337 बोतल शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति में एक मदारपुर का और दूसरा मुजफ्फरपुर का रहने वाला। शराब कारोबारी लगातार चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं और कहीं किसी दिन वो भारी, किसी दिन पुलिस और उत्पाद विभाग भारी। बुधवार को एक नवनिर्मित निर्माणाधीन मकान से गुप्त सूचना के आधार पर 337 बोतल कार्टूनों में रखा गया 77 लीटर शराब के साथ दो शराब कारोबारी गिरफ्तार हुए, जिसमें एक मदारपुर के हैं जिनका नाम सोनू कुमार है तो दूसरा विपेंद्र कुमार जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। अवैध धंधेबाजी करने वाले इन दोनों आरोपी को दरभंगा के मौलागंज से गिरफ्तार कर लहरिया सराय थाना ले जाया गया। एक मिनट। हाँ सर, क्या कहाँ से शराब पकड़ाई है? पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मौलागंज में परमा महतो के घर पर शराब की खेप आई हुई है। इस सूचना के आधार पर लहरिया सराय पुलिस टीम के द्वारा छापमारी करके दो व्यक्ति सोनू महतो और एक हो गया डीपी, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और एक परमान महतो भागने में सफल हुआ। सर, कितना शराब बरामद की गई है? शराब है 327 बोतल टोटल में बरामद हुआ है। टोटल 7 कार्टून। सर, अपना फुल नाम बताइए। एचन सिंह, SHO लहरिया। सर, कब छापेमारी की गई सर ये शराब? आज 10 बजे के लगभग छापेमारी की गई। और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या, कुछ पता चल रहा है? मेरी सोनू कुमार, विपिंदर और परमा महतो का ही नाम इसमें आया है और अन्य जो भी पता लगाया जा रहा है, अन्य किनकी सलिखता है, कहाँ से आया और किनको देना था।
क्या कार्रवाई की जाएगी इसको? गिरफ्तार दोनों व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश और कैमरे में कैद हुआ मोटरसाइकिल चोरी की घटना। जी हां, देखिए किस तरह से मोटरसाइकिल चोर ने गाड़ी को उड़ा दिया। घटना भड़वाड़ा सिंहवाड़ा की है। मोटरसाइकिल चोरी की यह घटना कैद हुआ सिंहवाड़ा भड़वाड़ा थाना की यह है घटना की। किस तरह देखिए, इस चोर ने मोटरसाइकिल को पलक झपकते ही उड़ा लिया। मास्टर की से पहले इधर उधर देखा और फिर चाबी लगाई और उसके बाद मोटरसाइकिल ले जाने में सफल रहा। यह मोटरसाइकिल बाजार में लगा था। पहले उसने मोटरसाइकिल चालक जो गया था उसे घूरा और जब यह आश्वस्त हो गया कि वह दूर चला गया है तो उसके बाद उसने इस तरह मोटरसाइकिल पर बैठकर फिर मास्टर की से उसे खोला और पलक झपकते ही वहां से भीड़ में निकल गया। सिंहवाड़ा भड़वाड़ा की यह घटना। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। चुनाव में राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार और मीडिया कर्मी पेड न्यूज नहीं दें, इस पर रोक हेतु राज्य स्तर से अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित। सड़कों पर खतरनाक भीड़, कहीं फिर बैकफुट पर न कर दे। कोरोना का आंकड़ा 2500 पार, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। चुनावी आहट, हरोड़ गर्माहट, नगर विधायक का शिलान्यास समारोह में लोगों ने किया विरोध। समर्थक और विरोधी स्थल पर ही आपस में उलझे। विघ्न से झल्लाए विधायक ने मीडिया कर्मी पर ही उतारा अपना गुस्सा। और मच्छरों के लार्वा खाने वाली गंबुजिया मछली के दरभंगा आने से मच्छर खात्मा की पनपी उम्मीद। जिलाधिकारी ने कहा इसे विस्तारित करने की बनेगी योजना। प्रथम चरण में वार्ड 21 के 2 तालाबों में निजी स्तर से वार्ड पार्षद मंगवाई है ये गंबुजिया मछली। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने ताबड़तोड़ कई शिलान्यास किया, कई सड़क का, कई योजनाओं का। बात करते हैं गंबुजिया मछली की, जो मच्छर का लार्वा खाती है। गंबुजिया मछली के दरभंगा लाए जाने से लोग काफी उत्साहित हैं। वार्ड नंबर 21 के 2 तालाबों, हरिबोल तालाब एवं लाल कोखर तालाब में इसे डाला गया है। मच्छरों का लार्वा खाने वाली इस मछली को मंगाने हेतु जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की पहल पर पार्षद मधुबाला सिन्हा ने निजी स्तर पर टीम भेजकर प्रशिक्षण प्राप्त कर बिहार शरीफ से ये मछली मंगवाई है। बिहार शरीफ में जब डॉक्टर त्यागराजन एसएम नगर आयुक्त और वहीं के जिलाधिकारी थे तो उनकी पहल पर वहां यह मछली लाई गई थी, जिसका काफी सकारात्मक रूप रहा। और बिहार शरीफ में मच्छरों की संख्या में जहां मछली यह डाली गई वहां 90% की कमी आई है, और इसी से उत्साहित होकर अंततः दरभंगा में भी इसे लाया गया। गंबुजिया मछली, ये मछली पानी के सतह के ऊपरी भाग में ही रहती है और स्थिर पानी पर ज्यादा रहती है, जहां मच्छर पनपता है। मच्छर का लार्वा ही यह मछली खाती है और ये गंबुजिया मछली जहां रहती है मच्छर के लार्वा को ही चट कर जाती है। बिहार में बिहार शरीफ नालंदा जिला के बाद दरभंगा दूसरा जिला है जहां जो मच्छर मछली का स्पॉन, जो मच्छर का लार्वा खाने वाली है, यहां लाया गया है। नालंदा के जिलाधिकारी के रूप में डॉक्टर त्यागराजन एसएम वहां पहले थे। उससे पहले वे बिहार शरीफ नगर निगम के नगर आयुक्त थे। उनकी पहल पर योजना बनी और 2017 में योजना बनने के बाद 2019 में इसे बिहार शरीफ नगर निगम में वहां के तालाबों में नगर निगम स्तर पर डाला गया। वहां के पूर्व उप महापौर सहित कई अन्य पार्षद बताते हैं कि 90%
मच्छरों में कमी आई है। इस मछली के कारण इस मछली को साथ साथ पाला जा सकता है अन्य तालाबों में जहां खाने वाली मछली भी रहती है। मछली का साइज बहुत छोटा है और इसका मुख्य आहार मच्छरों का लार्वा है। ऐसे में मच्छर से लगातार जूझता दरभंगा में एक उम्मीद कि मच्छर का खात्मा होगा। इस उन्मूलन की दिशा में दरभंगा में पार्षद मधुबाला सिन्हा जो वार्ड नंबर 21 में दो तालाब है उसके लिए निजी स्तर पर इसे मंगवाई है। वार्ड नंबर 21 के हरिबोल तालाब और लाल पोखर तालाब में इसे डाला गया है। लहरियासराय के एक तालाब में भी इसे डाला गया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की पहल पर बिहार शरीफ से 20,000 स्पॉन मंगाया गया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जिला पदाधिकारी का कहना है, देखिए मछली का नाम गंबूसिया है। पहले प्रयोग के तौर पर हम लोग नालंदा जिला के बिहार शरीफ में वहाँ पर प्रयोग किए थे, वहाँ काफ़ी कारगर रहा। स्थानीय लेवल पर जिस एरिया में डाला जाता है उस आसपास एरिया में मच्छर कम करने के लिए वो काफ़ी कारगर मछली पाया गया है। उसका काम है कि जो मस्किटो का लार्वा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको लार्वे को खा जाना, इसमें लार्वे मच्छर के रूप में बदलने के लिए रुक जाता है, इससे मच्छर की संख्या कम होती है। तो ये जहाँ पर भी स्टैग्नेंट वाटर है वहाँ डाली जाती है तो वहाँ पर लार्वा पैदा होने को कम करती है। अभी प्रयोग के तौर पर कुछ जगहों पर हम लोगों ने डाला, वो कारगर पाया गया। इसके बाद हम लोग नगर निगम को सलाह दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर मच्छर की परेशानी ज़्यादा है वहाँ पर इस मछली को और खरीदारी करके नियमानुकूल खरीदारी करके उसको और वहाँ पर डाला जाए ताकि मच्छर की परेशानी से यथासंभव रिलीफ मिल सके। ये आइडिया था कहाँ से आपने सुना? तो ये पहले कई जगह पर प्रयोग हुआ है और ये एस्टेब्लिश्ड साइंस है, ये तकनीकी रूप से और वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया गया कि मछली से मच्छर कम होगा, तो उसी आधार पर इसको किया गया कि इसे विस्तारित किया जाएगा। नगर निगम ही क्या अन्य क्षेत्रों में भी इसके स्पॉन को डाला जाएगा ताकि मच्छर उन्मूलन में सफलता मिल सके। इस मछली को लाने से पहले ट्रेनिंग के रूप में दो लोग गए जिन्होंने कैसे इस मछली का विस्तार हो बढ़ावा दिया जाए इसका प्रशिक्षण लिया। कंबोजिया मछली है, ये मछली मच्छर का जो अंडा होता है उसको ये खाता है, मुख्य भोजन ये है। इस मछली को लाने में डॉक्टर डीएम त्यागराजन जी जो हैं सो लाए थे नालंदा में, पहली बार वहाँ प्रयोग किए थे, बहुत सफल प्रयोग रहा। उसके बाद दरभंगा में मधुबाला सिन्हा के प्रयोग किया गया कि इसमें भी दो तीन पोखरी में ला करके देखा जाए, ट्रायल किया जाए कि इससे क्या फ़ायदा होता है। तो इसलिए हम लोग भी गए थे लाने के लिए और ट्रेनिंग लिए, मछली वहाँ से छान करके लाया गया और हरिबोल पोखर में, गंगा सागर लक्ष्मी सागर पोखर में और डीएम साहब के जो एक दो पोखर है आगे पीछे वहाँ डाला गया है। देखिए सर, दरभंगा जिला में आए दिन कुछ दिन पहले डेंगू हो इत्यादि, कोरोना अभी चल रही है, हर प्रकार का समस्या को देखते हुए कुछ दिन पहले हम लोग को जानकारी मिली डॉक्टर त्यागराजन डीएम साहब द्वारा कि उन्होंने नालंदा में पहला प्रयोग किए पोखरी में गंबुजिया मछली छोड़कर, जहाँ मच्छर आज तक वहाँ मच्छर की संख्या 0% है। जो हम लोग जाकर वहाँ रिसर्च भी किए, पता भी किए, हम लोग को महसूस हुई कि वहाँ मच्छर नहीं है। उसी को देखते हुए मधुबाला सिन्हा वार्ड नंबर 21 की पहल पे आज 20,000 मछली दरभंगा जिला में लाया गया, जो गंगा सागर हरिबोल तालाब इत्यादि तालाब में डाला गया। और उम्मीद करते हैं कि अगर यह रिसर्च अच्छा रहे तो बिहार सरकार से डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि सरकारी स्तर पर इसकी समुचित व्यवस्था करे। बहरहाल यह गंबुजिया मछली से एक उम्मीद कि मच्छर उन्मूलन में सफलता मिले। बिहार शरीफ के बाद दरभंगा दूसरा जिला या शहर जहां इसके कारण मच्छरों में कमी आए, ये एक उम्मीद दरभंगा वासियों को। बहादुरपुर विधानसभा में भाजपा की उम्मीदवारी की दावेदारी बीना झा ने पार्टी और जनता दोनों को आश्वस्त किया कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है, जनता जिताती है तो कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सेवा बहादुरपुर क्षेत्र में वर्षों से काम करती आ रही हूँ और मैं आज तक देखती आ रही हूँ कि कोई विकास नहीं हुआ है वहाँ पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जब जीत के आऊँगी
तो खासकर दलितों और महिलाओं को मेरा पूरा समर्थन रहेगा और मैं विकास करूंगी। उम्मीद पहले पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से कि उन्हें टिकट देगी, महिलाओं को टिकट देने में, और उसके बाद जनता से कि वे उन्हें जिताए, तो पूरी उम्मीद पर खड़े उतरने का वादा जनता से। राज्य स्तरीय स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की ऑनलाइन बैठक हुई, सभी बैंकों के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए और बैंक लोन से संबंधित कई परीक्षा और जो समस्याएं थी उसके बारे में दिशा निर्देश भी मांगा उच्च अधिकारी। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चुनाव में राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार और मीडिया कर्मी पेड न्यूज नहीं दें, इस पर रोक हेतु राज्य स्तर से अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित। सड़कों पर खतरनाक भीड़, कहीं फिर बैकफुट पर न कर दे, कोरोना का आंकड़ा 2500 पार, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। चुनावी आहट, हरोड़ गर्माहट, नगर विधायक का शिलान्यास समारोह में लोगों ने किया विरोध, समर्थक और विरोधी स्थल पर ही आपस में उलझे। विघ्न से झल्लाए विधायक ने मीडिया कर्मी पर ही उतारा अपना गुस्सा। और मच्छरों के लार्वा खाने वाली गंबुजिया मछली के दरभंगा आने से मच्छर खात्मा की पनपी उम्मीद, जिलाधिकारी ने कहा इसे विस्तारित करने की बनेगी योजना। प्रथम चरण में वार्ड 21 के 2 तालाबों में निजी स्तर से वार्ड पार्षद मंगवाई है ये गंबुजिया मछली। तो इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जिस तरह से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलिए। नमस्कार, जय हिंद।